हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। आज है मदर्स डे दोस्तों, और आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। माँ के बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माँ वो चीज़ है दुनिया में जो माँ एक बच्चे के लिए कर सकती है। माँ इस सब से ही हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिसके बिना हम ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है, क्योंकि माँ हर जगह हो सकती है। माँ को सम्मानित करने के लिए ही मदर्स डे मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो माँ का आभार प्रकट करने के लिए ये दिन बनाया है। वैसे तो हर दिन माँ का ही होता है, माँ के बिना एक बच्चे की लाइफ कुछ भी नहीं होती है। माँ अपने एक बच्चे को 9 महीने पेट के अंदर रखती है, उसको बहुत सारे दुखों से, कष्टों से अपने पेट में रखकर पालती है, और फिर उसको एक असहनीय पीड़ा सहन करके उसको इस दुनिया में लाती है। तो माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर कच्चे रंग में सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, ना उसके चेहरे पे कभी थकावट देखी, ना ही उसकी लाइफ में हमें कभी मिलावट देखी। माँ की ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता, चाहे माँ के कितने भी बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होती है, और ना ही उसके प्यार के अंदर कभी कोई मिलावट होती है। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, मैं ये कहती हूँ माँ के बिना कौन सा दिन है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर को बनाने के लिए, माँ अकेली ही बहुत है अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए। मातृ दिवस पर मुझे आपके सामने अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मंच मिला और मैं आपके सामने अपने कुछ विचार प्रकट कर पाई कि माँ हमारे लिए क्या है ज़िंदगी में। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इस मातृ दिवस पर मैं सभी माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है, माँ से ऊंचा दर्जा तो भगवान का भी नहीं होता है। ऐसे तो माँ को सम्मान देने के लिए हर दिन कम है, लेकिन हम साल के अंदर एक दिन मनाते हैं। इस दिन को मातृ दिवस के रूप में हम 14 मई को इसको हर साल मनाते हैं कि ये हमारी माँ के लिए ये दिन है। तो बच्चों के लिए माँ के सम्मान में हर दिन होता है। अगर जो भी बच्चे अपनी माँ को सम्मान देना चाहे वो हर रोज़ दे सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए कोई एक स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से माँ का दिन हर दिन होता है। जब एक शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला रिश्ता उसकी माँ से उसका होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता इतना गहरा होता है कि बच्चे को अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो सबसे पहले तकलीफ़ उसकी माँ को होती है, और माँ बहुत बेचैन हो जाती है कि उसके बच्चे को ये तकलीफ़ है। माँ अपने बच्चे का दर्द सबसे पहले समझती है। माँ का प्यार और माँ का दुलार बच्चे के लिए दवा और दुआ दोनों का काम करती है। माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, प्यार उस माँ का कैसे मैं बयां करूँ। आइए दोस्तों, आज इस दिन को अपनी माँ के लिए अविस्मरणीय बनाएं, जो हमेशा हमारी माँ इस दिन को याद रखे। दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, माँ के ऊपर जो मैंने बातें बोली है अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ़ यू। सभी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।